Semiconductor is a substance which has resistance it between conductor and an insulator. Semiconductor एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो रेसिस्टेंस है वो एक इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में होती है, यानी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के दरमियान वाली कैटेगरी को कहते हैं सेमीकंडक्टर, और नॉन कंडक्टर का ही दूसरा नाम इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर वैन प्योर, बट वोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी राइज विद टेम्परेचर और विद एडिशन ऑफ सर्टेन अदर एलिमेंट्स। सेमीकंडक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे बहुत कम बिजली को कंडक्ट करे, यानी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, मगर जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तब वो कंडक्टर बन जाता है, या टेम्परेचर ज़्यादा करने से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, या उसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड करने से। अब दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा है, सब्सटेंस दैट इज सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म को कहते हैं अनडोप्ड, ठीक है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में ही सेमीकंडक्टर हो उसको हम कह देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर बिजली को कंडक्ट नहीं करते, मगर जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब ये बिजली को कंडक्ट कर देते हैं। जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिस वजह से ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। सात किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है इधर, इसका कोड बताया है बसाई जी एस सब सी टी, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी सिलीनियम टेलोरियम, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। अब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर वूज कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज हैज़ बीन इन्हेंस्ड बाय डोपिंग इज कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मीनिंग इट इज़ नॉट इन अ न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो था जो नेचुरली सेमीकंडक्टर है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई हुई, यानी अनडोप्ड। अनडोप्ड सेमीकंडक्टर को कहते थे इंट्रिंसिक, जबकि जो एक्सट्रिंसिक है इसमें और इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इस वजह से इसको डोप्ड कहते हैं। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेमीकंडक्टर के अंदर और इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो जो एक्सट्रिंसिक है वो डोप्ड होता है, जबकि जो इंट्रिंसिक है वो अनडोप्ड होता है, नेचुरल होता है एक्सट्रिंसिक। अब डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से बढ़ा दिया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग के नतीजे में जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम कह देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये दो किस्म के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन कहते हैं नेगेटिव चार्ज, एन टाइप वो होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरी होती है पी टाइप, पी से मुराद होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी होल, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप है एन टाइप, जिसमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी है पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे यानी होल ज़्यादा हो जाएगा प्लस चार्ज, हम एन टाइप। सिलिकॉन चौथे ग्रुप में है, ये सेमीकंडक्टर है, इसके आखिरी शेल में भी चार इलेक्ट्रॉन और चार बॉन्ड्स बनती हैं, ठीक है। जब हम चौथे ग्रुप यानी सिलिकॉन को पांचवें ग्रुप वालों की इम्प्योरिटीज़ के साथ ऐड कर दें, ये पांचवा ग्रुप है पास सब बाई, यानी पांचवें ग्रुप का कोड आपको बताया था नबील पोला असलम सब बाई। तो फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, ये पांचवा ग्रुप है। जब सेमीकंडक्टर को पांचवें ग्रुप वाले के साथ डॉप कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, चार तो उसने बॉन्ड बना ली, तो जो पांचवें वाले का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज है कि एक्स्ट्रा हो जाएगा, वही नेगेटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। ये होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी जहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसके बाद दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब चौथे ग्रुप का जो सिलिकॉन था एन टाइप में, उसको अपने से ज़्यादा ग्रुप नंबर वाले के साथ डोप करना है ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, होल बनाना है, तो उससे अपने से कम वाले में। अब चौथा था सिलिकॉन, सिलिकॉन चौथे ग्रुप में, ऐसे के आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, जब उसको तीसरे ग्रुप वालों के साथ डोप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी उधर पॉजिटिव चार्ज यानी होल आ जाएगा। तो इस टाइप के कंडक्टर्स को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और पता कैसे चलता है एन और पी टाइप का, जब सिलिकॉन खुद तो चौथे ग्रुप वाला सेमीकंडक्टर है, जब इसको पांचवें वालों के साथ डोप कर दिया
तो पांचवें के आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के आखिरी शेल में चार, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब सिलिकॉन को अपने से कम वाले यानी तीसरे ग्रुप यानी जिनके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है उनके साथ डॉप कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उधर होल बन जाएगा, तो उन टाइप के कंडक्टर्स को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब द ग्रुप थ्री ए डोप्ड सिलिकॉन इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्यों? क्योंकि इसमें होल्स बन चुके हैं यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सेमीकंडक्टर में कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में डायरेक्शन एक तरफ होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी होल्स में डायरेक्शन एक तरफ होती है। होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। और उसके बाद सॉलिड स्टेट डायोड एक किस्म के सेमीकंडक्टर का कम्बिनेशन है। ये करंट को एक डायरेक्शन में फ़्लो करने देता है। जब इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो बाबा इधर देखो एमीटर लगा हुआ है करंट को मैया करने के। एन यानी हो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करते हैं और होल्स दूसरी तरफ मूव करें। जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जो डायोड है इसके काम करने के लिए वोल्टेज हाई होना चाहिए, अगर वोल्टेज नहीं होगा तब भी इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा। दूसरा ट्रांसिस्टर में यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी सिलिकॉन का बना होता है। और कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर? एन टाइप। हमें कैसे पता चलता है एन टाइप? क्योंकि आर्सेनिक इस ग्रुप में मौजूद है, पांचवें ग्रुप में। तो चौथे के जब पांचवें से डोपिंग करें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया वैलेंस शेल में, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यानी सोलर सेल क्या होता है? सिलिकॉन में टिनी अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ऐड कर दी जाती है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी में कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर, कलर टेलीविजन सेट्स में, सोलर सेल्स में, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह में।